नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लव। आप देख रहे हैं द हिस्ट्री टीवी। दोस्तों, आप तो जानते हैं मैंने कल एक ट्रेलर पोस्ट किया था जिसमें इस चैनल के इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया था। तो दोस्तों, ये चैनल होगा द हिस्ट्री टीवी, मतलब मेनली भारत के कंसर्न्ड हिस्ट्री के बारे में है, और वो भी हिंदी में। दोस्तों, आपने हिस्ट्रीज तो बहुत देखी होंगी, पर सब हिस्ट्रीज का विदेशीकरण हो चुका है। मतलब जो यूरोपियंस, ग्रीक्स, लैटिन्स, जिन्होंने भी जो कुछ भी लिखा उसी को हम हिस्ट्री मान के चलते हैं, जबकि हम अपनी भारत की हिस्ट्री को इग्नोर कर देते हैं। किसके नाम पे? सेक्युलरिज्म। दोस्तों, मैं सेक्युलरिज्म के खिलाफ नहीं हूँ, पर हमारे भारत के एक कल्चर है, उसकी हिस्ट्री है, वो मैं बता रहा हूँ। तो वो हिस्ट्री है, उसको भी हमें साथ लेना चाहिए, पर हम अकेला विदेशों की हिस्ट्री ले रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो भारत की हिस्ट्री है उसके बारे में भारतवासियों को ज़्यादा जानकारी होगी या यूरोपियंस को? बताइए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या आपका विचार। तो उसी तरह हमें भारत की हिस्ट्री को भी उतना ही मायना देना चाहिए। हाँ ठीक है, उसको भी मायना दो, अगले भी ट्रैवल करके आए थे उन्होंने, जो उन्हें पता चला वो उन्हें लिखा उन्होंने, पर उन्होंने अपने भी कुछ बायस थॉट्स डाले थे बीच में। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि भारत और यूरोप दोनों की, मतलब जो भारतवासियों का जो कहना अपने कल्चर के बारे में और यूरोपियंस का जो भारत कल्चर है कहना, हम दोनों को मिक्स करके एक हिसाब से मतलब देखेंगे कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है, वो हम पूरी बताने की कोशिश करेंगे आपको। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत की हिस्ट्री 300 में डिवाइड हुई है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। एंशियंट यानी कि जितने हिंदू रूलर्स थे उन तक, जो मेडिवल है मोस्टली इस्लामिक, और थोड़ा जो पोस्ट मेडिवल है उसमें ब्रिटिशर्स की एंट्री होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद जो मॉडर्न है उसमें टोटली ब्रिटिशर्स और इंडिपेंडेंस। तो दोस्तों, मैं आपको इस चैनल में बाकियों से अलग हिस्ट्री बताने की कोशिश करूँगा जिसमें ट्रू होएगी, जो बाकी में इतनी ट्रू नहीं होती, क्योंकि वो है कि जो लिखा है उसी को बयां कर देते हैं, पर ऐसा इसमें नहीं होगा। दोस्तों, आपको एक फैक्ट बताऊं, जो हिटलर था ना, एडॉल्फ हिटलर, नाम तो सुना होगा, एडॉल्फ हिटलर ने भारत के लोगों को, जिनको संस्कृत बहुत अच्छे से आती थी ना, और संस्कृत भी नहीं कहते, संस्कृत बहुत अच्छे से आती थी, उन्हें उसने जर्मनी में सिटीजनशिप और परमानेंट रेजिडेंटशिप दी। क्यों दी? इसका रीज़न क्योंकि उसे लगता था कि भारत की जो ग्रंथ है उसमें बहुत सारे ड्रेडफुल वेपन्स के फॉर्मूला छुपे हुए हैं, और जो जहाँ वो सही भी था। उसने भारत के एक बहुत बड़े संस्कृत स्कॉलर को हायर किया था, इसलिए कि वो न्यूक्लियर वेपन्स या जितने भी और वेपन्स, तब न्यूक्लियर वेपन का तो लोगों को पता नहीं होता था, जितने भी वेपन्स है ड्रेडफुल उनको कोड कर सके। तो वो काफ़ी करीब पहुँच भी चुके थे न्यूक्लियर वेपन के। उसके बाद फिर अमेरिका ने पहले बना लिया, अमेरिका के जिसने बनाया उसने भी ये कहा है अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में, कहा कि उन्होंने भारत के जितने भी ग्रंथ थे उन सब का पूर्ण रूप से अध्ययन किया, अच्छी तरह किया, उसी में उन्हें मिले हैं। तो आप अपने आप हिसाब लगाइए कि हमारे भारत का कल्चर कितना महान है। तो यही महान कल्चर के बारे में आपको इस चैनल में बताऊँगा। दोस्तों, ये चैनल की वीडियोज़ में बेसिकली सैटरडे और संडे ही करूँगा पोस्ट, ताकि एक तो हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहे और आपको मज़ा भी आए, और थोड़ी रिसर्च भी करनी पड़ती है कि वाकई ये सही है या नहीं। तो इससे सिर्फ सैटरडे और संडे में रखता हूँ कि दो दिन मोर देन इनफ है, हमारी हिस्ट्री आराम से कवर होगी इस साल, बहुत आराम से। तो टेंशन की कोई बात नहीं, आप अपना सैटरडे संडे का बिजी मत रखिएगा। 10-15 मिनट की हर वीडियो होगी, इससे ज़्यादा लंबी मैं भी नहीं बना सकता और आप देखना भी नहीं पसंद करेंगे। तो फिर बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक बटन को दबाइए। अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और लोग, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके आसपास के लोग भारत की ट्रू हिस्ट्री को जान सके। ट्रू हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ कि वो कहते हैं हिस्ट्री बहुत बोरिंग होती है, पर हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर अच्छे से पढ़ा जाए। पूरा हम क्रिएटिविटी के साथ पढ़ेंगे हिस्ट्री को, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।